नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। मैं हूं बिट्टू और आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो है डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, वो आज इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके इसमें सर्च कर लेना है बिहार बोर्ड डॉट ऑनलाइन। जैसे कि आपको यहाँ ऊपर में लिंक दिख रहा है, इसको सर्च करने के बाद क्या करेंगे कि दोस्तों आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ बाएं साइड में आपको एक थ्री लाइन दिख रहा है, इस थ्री लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन पे दबाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड का, सिंपली आपको उस पर दबा देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिख रहा है सिमुलताला, इसके नीचे व्यू प्रिंट डमी कार्ड, उसको नहीं दबाना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो एक और दिख रहा है प्रिंट डमी एडमिट कार्ड, जो डिप्लोमा डीएलएड के लिए है उसके लिए होगा, इसको न दबा के फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ पे दिया गया है व्यू प्रिंट रजिस्ट्रेशन, इस पे न दबा के फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे और एनुअल एग्जामिनेशन का सेक्शन नीचे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू प्रिंट डमी एडमिट कार्ड फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2021, सिंपली आपको क्या करना है, इस पे आपको दबा देना है। जैसे आप इस पे दबाते हैं तो यहाँ पे दबाने के बाद जो आपको इस तरह का लिंक दिखेगा, इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस डायरेक्ट इस पेज पे ही आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको तीन चीज मांगा जा रहा है। फर्स्ट में मांगा जा रहा है आपको स्कूल का कोड मांगा जा रहा है, सेकंड में आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है और थर्ड में डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो चलिए हम तीनों डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्कूल का कोड डाल लेना है। तो चलिए मैं स्कूल का कोड डाल लेता हूँ। स्कूल का कोड डालने के बाद क्या करना है, नीचे वाले सेक्शन में आना है। नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, पंजीयन संख्या मिला होगा, आपको उस पर से देख के डाल लेना है। तो चलिए हम इस पर से हम डाल लेते हैं। जैसे इसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से डालना है, इसे मैं आपको डाल के जा रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद क्या करना है, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है वो बताते हैं। उसको डालने के लिए क्या करना है, आपको जो डेट होगा सो डेट डालना है। डेट डालने के बाद क्या करना है, आपको ये इस तरह से स्लैश देना है। स्लैश देने के बाद क्या करना है, जो मंथ होगा साल वो इस तरह से देना है, फिर स्लैश देंगे। स्लैश देने के बाद जो आपको साल होगा वो पूरा लिखना होगा, इस तरह से साल आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड नजर आ जाएगा, जैसे आपको मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, ये सारा आपको नीचे में दिखा दिया गया है। जो इस तरह से अगर आपको इसमें कोई भी गलत लग रहा हो, कुछ इसमें गड़बड़ हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें स्कूल में ले जाकर इसमें सुधार कराने के लिए प्रिंसिपल से कहना है। तो इस तरह से आपको डाउनलोड शो कर देगा। इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट का, जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से प्रिंट में आ जाएंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेंगे, अगर प्रिंटर नहीं है तो आपको यहाँ सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर तो सेव एज पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ सेव एज पीडीएफ पर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना एडमिट कार्ड, जैसे यहाँ पर नाम लिखने के लिए सेव हो गया है और सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है एडमिट कार्ड जो है डमी एडमिट कार्ड जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो को पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।